बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, जंग के बीच यूक्रेन ने भी रूस पर पलटवार तेज कर दिया है। यूक्रेन के मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यूक्रेन के सैनिक रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। यही वो तस्वीरें हैं जो यूक्रेनी मीडिया ने अब जारी किया है, जहां रूस की तरफ काउंटर अटैक करती हुई यूक्रेनी सेना दिखाई दे रही है। लगातार ताबड़तोड़ एक ही दिशा में फायरिंग की ये वीडियोस अब जग जाहिर हुई हैं। वहीं यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस के ड्रोन सप्लाई करने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। तो वहीं अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर भी रूस को चोरी छिपे हथियार भेजने का आरोप लगाया है, और अपने आरोप को साबित करने के लिए अमेरिका ने कुछ तस्वीरें भी जारी की। देखिए ये रिपोर्ट। रूस को ड्रोन सप्लाई के मुद्दे पर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पश्चिमी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा सऊदी अरब रवाना कर दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का कहना है कि ईरान सऊदी अरब पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, लिहाजा उसने अपने लड़ाकू विमान सऊदी अरब में तैनात कर दिए हैं। 4 नवंबर को ईरान ने राजधानी तेहरान में 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति की सालगिरह मनाई थी। दरअसल इस्लामिक क्रांति के दौरान आयतुल्लाह खुमैनी के समर्थकों ने अमेरिकी एम्बेसी पर जबरन कब्जा कर लिया था। बस तभी से ईरान और अमेरिका के बीच तल्खियां बढ़ती ही चली गईं। अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जे के जश्न के दौरान वहां मौजूद लोगों के हुजूम ने डेथ टू अमेरिका के बैनर और पोस्टर भी उठा रखे थे। इस मौके पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति पर तंज भी कस दिया। जम्हूर अमेरिका सुखनानी रो बर ज़बान शायद अज़ हवास पर्ती के दौरत جاری کرده چون این حرف ها زده می شد اما پشت تریبون رسمی گفتنش شاید این اولین بار بود اتفاق افتاد به من خبر دادن ایشون گفته که ما بنا داریم آزاد کردن ایران رو آقای رئیس جمهور ایران 43 سال قبل آزاد شد و مصمم است به اسارت شما در نیاید و ما هرگز گاو شیرده نخواهیم شد अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तल्खियों को देखकर लगता है कि एशिया में जल्द ही एक नया वॉर फ्रंट खुल सकता है। अब ये ईरान और अमेरिका के बीच खुलेगा या फिर अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच, ये कहना मुश्किल है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर भी रूस को चोरी छिपे हथियार भेजने का आरोप लगाया है, और अपने आरोप को साबित करने के लिए अमेरिका ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की। अमेरिका का आरोप है कि नॉर्थ कोरिया ट्रेन के जरिए रूस को गोला बारूद सप्लाई कर रहा है, और इसके लिए नॉर्थ कोरिया, रूस और उत्तर कोरिया के बीच तुमंगन फ्रेंडशिप ब्रिज रेलवे लाइन का इस्तेमाल कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के साथ जंग में नॉर्थ कोरिया रूस की मदद कर रहा है, और मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के रास्ते भी हथियार रूस तक पहुंचाए जा रहे हैं।